के किरदार के बारे में आपके बताएं। The role that I play in this film, first of all, I'll tell you the story about the film, then you would know what the character is. It's a story about this couple and their kid who's growing up. A couple, like in today's world, everybody is career oriented and everybody is professional, everyone is working, and you're balancing your personal life and your professional life, and quite successfully so, but every time it can't be so perfect, things change. जो बच्ची है घर में वो अब तक तो माँ उसके लिए थी. मिलिंद इज प्लेइंग द फादर, एम प्लेइंग द मदर. मिलिंद इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जन. आई ऑल्सो एम अ डॉक्टर, बट माई वर्क अलाउज मी टू गिव हर टाइम. या एंड ऑल दिस वाइल आई हैव गिवन हर इनफ अटेंशन, बट सडनली शी स्टार्ट्स फीलिंग दैट शी नीड्स हर फादर मोर. यू नो, मे बी द गर्ल्स हैव समथिंग फॉर देयर फादर. सो She says that I want my father around me, and now I understand what the child is saying, but at the same time I also understand Milind's predicament, because he is very busy and he really can't give her time for those little things of life. Kahin jaakar main Milind ki bhi majboori samajhti hu ki wo waqt nahi de pate chahte hue bhi, aur dono baap bete ke beech mein piss se jaati hu, aur mujhe kahin lagne lagta hai ki shayad jo main kar rahi hu uski koi keemat nahi, koi value nahi hai. To har ek ki apni apni ek complex hoti hai jo nikal kar ke aati hai. Each one knows ki kuch theek nahi ho raha, और क्योंकि परिवार हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और साथ ऑफकोर्स रहेंगे, तो जैसे कि हर परिवार में कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ चलने की, वो मजबूरियाँ होती हैं, फिर आखिर में तो परिवार है और वो साथ हो जाते हैं. एंड यू रियलाइज दैट इन दिस लाइफ व्हेन यू आर अ फैमिली यू नीड ईच अदर. किसी एक के बगैर चल जाएगा ऐसे नहीं होता, और हर एक को ये बात समझनी चाहिए. हाँ, काइंड ऑफ फिल्म बींग मेड तो मैं पता नहीं, द काइंड ऑफ फिल्म दैट हैव बीन रिलीज, शायद बहुत सी अच्छी फिल्में अच्छे सब्जेक्ट्स वाली बन रही होंगी, तो उनमें से ये भी एक है. जी हाँ. हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी नाइस यूनिट, और क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार नहीं हैं, एक परिवार की कहानी है, तो एक छोटा सा यूनिट रहा और बहुत आसानी से हमने शूटिंग हमारी कर ली. इट्स बीन वेरी गुड. कुड यू आइडेंटिफाई विद द चाइल्ड्स प्रॉब्लम? We identify with the child. Of course, we all identify with the problem. It's not about identification as in कि मुझे कभी ये problem रही होगी, ऐसी वाली बात नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों की problem होती है जो आपने नहीं झेली कभी, लेकिन आप समझ सकते हैं. तो I can understand the child's problem. Thanks a lot.